ये जगह है उद्धव कुंड है, ये उद्धव क्यारी है, उद्धव कुंड है जहाँ पर उद्धव जी घास बन करके यहाँ पर भजन कर रहे। गुरुदेव कहते थे ये जितने घास है ना, हर कल्प में एक एक बार उद्धव आता है, और हर कल्प में जो उद्धव आते हैं और गोपियों को प्रेम को देख करके वो घास बनना चाहते हैं, इसलिए गुरुदेव कहते जितने घास है ना, जितने घास है, घास सब के सब उद्धव जी है। हाँ, ये उद्धव घास बन करके तपस्या कर रहे हैं, इसलिए उद्धव कौन है? बोले पांच तरह का भक्त है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर। कहते ये चार पांच तरह का भक्त है, और जो उद्धव कौन है? बोले भक्त का अंतिम छोर है, मतलब उनको ऊपर में कोई भक्त जगत में कोई है ही नहीं। कृष्ण का सबसे प्रिय है, कृष्ण का सखा है, कृष्ण का मंत्री है, कृष्ण को परामर्श देने वाले, और उद्धव बुद्धि सत्तम, मतलब बुद्धि में सबसे बड़े उत्तम बुद्धि उनकी है। इतने बुद्धिमान हैं जिनके लिए इस जगत में कोई टीचर नहीं मिला, जिसको स्वर्ग में भेज करके बृहस्पति को पास में जो पढ़ करके आए, मतलब इतने ये बुद्धिमान हैं, इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन जब ब्रज में आए ना उद्धव जी, बोले उद्धव शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी और बाजे प्रेम की ढोल। इसलिए लेकिन जो ब्रज में आए, जब गोपियों की प्रेम, गुरुदेव कहते हैं जैसे कोई टोपी पहने हो, कोई टोपी पहन कर रखे हो, लेकिन ऐसे एक पर्वत से एवरेस्ट है, हिमालय है, ऐसे अगर देखते हो, देखते 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 बाहर, और जो टोपी है ना क्या होगा, एकदम नीचे नीचे गिर जाती है। उसी तरह से उद्धव जी जो ज्ञान की टोकरी लेकर के आया था, बोले अरे इनको तो चुटकी बजाते ही हम समझा दूंगा, ये ग्वालिनी गांव में रहने वाली बेबीचारी बनचरी बेबीचारी जुष्टा। इसलिए उद्धव कहते हैं जो बन में रहने वाले, जिनका कोई आचरण ठीक नहीं, हाँ जिनकी पवित्र अपवित्र जिनका जानते नहीं, लेकिन इनकी कृष्ण का प्रति जो प्रेम है, क्या अद्भुत प्रेम है। यद्यपि कृष्ण को भगवान मानकर प्रेम नहीं करते हैं, अपना प्रियतम मान करके प्रेम करते हैं, लेकिन उदाहरण दिया जैसे बीस है, लेकिन आपको पता नहीं ये जहर है, अगर उसको खाओगे तो क्या होगा, मरोगे। अमृत तुम्हें पता नहीं, अगर अनजान में अमृत पी लोगे तो क्या होगा, अमर बन जाओगे। कहते उसी तरह यद्यपि इनको पता नहीं ये परमात्मा परमेश्वर है, लेकिन अगर कृष्ण का प्रति अगर उनका प्रेम हो गया ना, बस बेड़ा तुम्हारी पार है, क्योंकि भगवान कृष्ण है, हैं। इसलिए उद्धव जी आ करके उन्हें ये शिक्षा देते हैं, अगर तब भी अगर जीवन का सार्थकता है, तब भी हमारे जीवन धारण करना सार्थकता है, ये ब्रज गोपियों का कृष्ण का प्रति जो प्रेम है, अगर उसका एक छिटा पुटा, गुरुदेव कहते एक छिटा पुटा अगर हमारा शरीर में लग जाए ना, समझना हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया है। इसलिए इनका नाम है गोपी, गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को इंद्रियों को द्वारा पान करती रहती है हर समय, हैं? और गुप रक्षणे पालने, मतलब कृष्ण रूपी संपत्ति को अपना हृदय रूपी तेजोरी में जो बड़े सुंदर रूप में जो रक्षा करते हैं, और गुप पालने, पालन मतलब अपना संपूर्ण समस्त इंद्रियों को दे करके जो कृष्ण का इंद्रियों को पालन करते हैं, मतलब कृष्ण को जो संपूर्ण जो सुख देते हैं, इसलिए गोपियों के लिए बता, बोले ता मन मनस्का है, अगर संपूर्ण कृष्ण के प्रति इनका मन इतने डूबी, ता मन मनस्का है, इसलिए संपूर्ण कृष्ण भक्ति में ये डूबने वाले श्री ब्रज गोपियां हैं। इसलिए उद्धव जी से यही शिक्षा हम पाते हैं, उद्धव सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े विद्वान हैं, हाँ, इसलिए कृष्ण सोच रहे थे ऐसे एक व्यक्ति को ब्रज में भेजे जिन लोगों ने गोपियों की प्रेम को देखे और आ करके पंचम मोह से, आजा महाराज जी पंचम मोह से क्या करे, उनकी महिमा को गाए, पंचम मोह से उनका महिमा को आकर गाए। गाने पर अगर कोई साधारण व्यक्ति कोई बात बोलता है ना, उसका कोई महत्व नहीं देते, लेकिन जब कोई विशेष व्यक्ति कोई बात को बोलता है ना, बोले पावरे अमुक व्यक्ति बोल रहे हैं, जरूर उसमें कुछ है, उसमें है। इसलिए कृष्ण इनके प्रेम को सर्वोत्तमता दिखाना चाहते थे, इसलिए उद्धव जी को भेजे, और उद्धव जी यहीं पर आकर के उनकी कृपा को पाने के लिए उन्होंने देखा कैसे ये चीज हमें प्राप्त हो सकता है। देखा जब तक इसे गिरिराज गोवर्धन की कृपा नहीं होगी,
तब तक ये चीज प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए श्री उद्धव जी यहाँ पर घास बन करके गिरिराज की, वो गिरिराज गोवर्धन है, वो गिरिराज गोवर्धन है, इसलिए उनकी तलहटी में, उनकी चरण में यहाँ पर घास बन करके भजन कर रहे हैं। जैसे एक दिन ये हरिदास वर्ज्य है, हरिदास में सर्वश्रेष्ठ है, जिनकी कंदरा कंदरा में भगवान रास रचाए, कुंज लीला की, हिंदोल लीला की, जहाँ पर जल विहार किया है, इसलिए जहाँ पर कृष्ण सुंदर सुंदर लीला करते हैं। बोले गिरिराज, जैसे आपके हृदय में श्री राधा श्याम सुंदर जैसे सुंदर सुंदर लीला करते हैं, एक दिन हम लोग ऊपर में भी कृपा करो, हमारा हृदय में भी वो लीला प्रकट हो जाए। इसलिए यहीं पर कहते ये श्रीमद् भागवत कथा बोले कहाँ पर सर्वप्रथम हुई है, बोले यहीं पर हुआ है। इसलिए भागवत में कथा आती है, जब कृष्ण ये जगत छोड़कर चले गए, उस समय महिषिया बड़ी दुखी, तब उन्होंने कालिंदी से पूछे, तुमने कैसे इतने सुखी हो? बोले हमें कृष्ण विरह नहीं, हमें पता है कृष्ण हर समय ब्रज में रहते हैं। बोले किसकी कृपा से? बोले राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से। बोले हम भी राधा रानी की दासी बनना चाहते हैं, हैं? इतने में फिर श्री कत ये महिषी ने प्रश्न करते हैं, कृष्ण को मिलने का अभी कोई उपाय क्या है? बोले ये बात तो उद्धव जी बता सकते हैं। बोले उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? बोले अभी भी उद्धव दो रूप उद्धव जी लिए है, एक रूप में तो बद्रिका आश्रम पर वहां पर तपस्या कर रहे हैं, और दूसरे रूप में यहाँ पर घास बन करके यहाँ पर भजन कर रहे हैं श्री गिरिराज तलेटी में। बोले चलो हम उद्धव जी के पास में चलते हैं, घास बनकर भजन कर रहे हैं। तब यहीं पर उन्होंने आए और आ करके जितने महिषिया, सांडिल ऋषि, परीक्षित महाराज, बज्रनाभ, सबके सब यहीं पर आकर के बड़े सुंदर कीर्तन किया। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जब उन्होंने कीर्तन किया, कीर्तन का प्रभाव से ये उद्धव जी जो घास बन करके थे ना, स्वयं उद्धव जी प्रकट हुए। उद्धव जब प्रकट हुए, इतने में सब उद्धव जी से प्रश्न करते हैं महिषिया, बोले हे उद्धव, कृष्ण तुम्हें ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी, इसलिए तुम जानते हो कृष्ण प्राप्ति का क्या उपाय? बोले हाँ मेरे को पता है। बोले क्या पता? बोले कृष्ण जब ये जगत छोड़कर जा रहे थे, मेरे को बोल कर मैंने भी यही प्रश्न किया, कृष्ण विरह में आपको मैं कैसे दर्शन कर सकता हूँ? कृष्ण ने कहा, उद्धव एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ और दूसरे स्वरूप में यहाँ रह भी रहा हूँ। किस स्वरूप में? कहते श्रीमद ये भागवत ग्रंथ रूप में यहाँ पर मैं विद्यमान हूँ। अगर कोई कलयुग में ये श्रीमद भागवत कथा श्रवण करे, ये भागवत को बताया तेन अयंग बांगमय मूर्ति भगवान सप्त ब्रह्म रूप में ये भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी विद्यमान है, हैं? इसलिए जो व्यक्ति कलयुग में श्रीमद भागवत कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनना और भगवान से मिलना अलग नहीं, वो एक ही है। हाँ, भागवत ग्रंथ से साक्षात रूप में कृष्ण प्रकट होएंगे, हैं? तो उद्धव ये बात बताए और कृष्ण, उद्धव जी ने कहा, देखो कृष्ण अभी आने वाले नहीं है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। अब ब्रह्मा का एक दिन मतलब 10,000 चतुर्युग है, उसमें एक बार कृष्ण आएंगे, अभी कृष्ण आने वाले नहीं। लेकिन कृष्ण को प्रकट करने का दूसरा उपाय है भागवत कथा सुनना, बस यहीं पर। तब महेश्वर बता, उद्धव जी आप जैसे वक्ता कहाँ मिलेंगे? आप ही कथा सुनाओ। बोले ठीक है मैं कथा सुनाता हूँ। तब यहीं पर बैठी करके उन्होंने उस तरफ में कुसुम सरोवर है और इस तरफ में उद्धव कुंड, बीच में गिरिराज गोवर्धन, यहीं पर बैठी करके बोले सर्वप्रथम ये जो भागवत है, ये उद्धव जी महिषियों को सर्वप्रथम भागवत कथा सुनाए और भागवत कथा से ही
कृष्ण स्वयं राधा जी को साथ में, गोपियों को साथ में, ग्वाल वालों को साथ में, साक्षात कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण साक्षात रूप में यहीं पर दर्शन दिया। फिर महिषियों ने कृष्ण दर्शन करते हुए अपना विरह व्यथा को उन्होंने दूर किया है, इसलिए भागवत सर्वप्रथम यहीं पर भागवत कथा हुई। हाँ देखो, कृष्ण जब उद्धव जी को भेजे थे ना, कृष्ण को पता था ये उद्धव तो जा रहा है बड़ा अभिमान को लेकर के, मैं तो इनको चुटकी बजाते हुए समझा दूंगा, लेकिन ये समझा नहीं पाएगा है, ये समझा नहीं पाएगा, इनको पता नहीं गोपियों का प्रेम किया है, ये कुछ किसी तरह से समझा नहीं पाएगा। तब कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम तो कोशिश करना, लेकिन जब देखना किसी तरह से तुम उनको समझा नहीं पा रहे हो, उनको एक काम करना, बोले बोलो, बोले गोपियों को बोलना आंख बंद कर बैठ जाए, आंख बंद कर गोपियां बैठ जाए, हैं, इतना काम करना। जब कृष्ण उद्धव किसी तरह से उनको समझा नहीं पाया, किसी तरह से समझा नहीं पाया, और बल्कि उनका प्रेम को देख कर उद्धव शुद्ध हो गए, उद्धव एकदम सिद्ध हो गए। फिर बोले देखो, कृष्ण का अंतिम उपदेश है, तुम यहाँ आंख बंद कर बांध कर बैठो। तो गोपियां यहाँ आंख बंद करके गोपियां बैठ गई। जब आंख बंद कर गोपियां बैठी, कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। प्रकट होकर के गोपियों के साथ में रास रचाई, उनके साथ में जल विहार किया, कुंज लीला की, मधुपान की, उनके साथ में कृष्ण समस्त लीलाओं को, गोपियों के साथ में कृष्ण समस्त लीला की, और लीला करके गोपियों को उन्होंने पूर्ण रूप में उनका सांत्वना प्रदान की, हाँ, उनका सांत्वना प्रदान की। फिर गोपियां प्रसन्न हो गई, कुशिया गोपियां खुश हो गई कृष्ण को मिल करके, इसलिए ये जितने सारे लीला है यहीं पर हुई है। बोले श्री उद्धव कुंड की, बोले श्री गिरिराज महाराज की। आप बुझी पार लगी नहीं सब? हाँ, तभी तो पंडित सब अच्छा बुझे।